actually know you only. How do I look? You look always beautiful. You would like to say something about Nail Art Studio? It's fabulous. Nail Art Studio. क्या बोलूँ मैं? निशब्द. No words. याने बोलती बंद. अब देख रहे हैं ना? Tell something about Rashri. Rashri is a bundle of positivity, grace, and kindness. She is very warm, very loving, caring. Rashri, जल्दी से पेटीएम कर देना. Well, हाल ही में हमने देखा कि राखी और आप दोनों दोस्त बन गए हैं. Well, इसके पीछे का राज क्या है, कुछ बताना चाहेंगे? हाल ही में हमने देखा कि राखी बहुत ज्यादा दुखी भी है. So, कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि कुछ टाइम पहले हम कोई और शर्लिन को देख रहे थे और अब कोई और देख रहे हैं, कुछ तो बताइए जी. मैंने कई बार राखी से कहा था कि मेरी लड़ाई उनके साथ नहीं है, मेरी लड़ाई यौन शोषण के खिलाफ है, यौन शोषण करने वालों के खिलाफ है. और जब राखी को ये बात समझ में आई, उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि हम सुलह कर लेते हैं. और मैंने कहा यस, वाई नॉट. मुझे नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल नहीं पसंद, ना अपनी ज़िंदगी में, ना अपने दोस्तों की ज़िंदगी में. तो जब राखी से मुलाकात हुई मेरी, मैंने उनसे कहा कि राखी, जो कुछ भी हुआ उसे आप भुला दो. उसने कहा नहीं, कैसे भुला सकती हूँ मैं, वो तो मेरे पति देव हैं. मैंने कहा अब करना क्या है, क्या आपको सुबह शाम उनके लिए आंसू बहाना है? हाँ, क्या करना है आपको? स्ट्रेस हो जाएगा. और स्ट्रेस जब हम पर हावी होने लगता है तो बीमारियाँ होती हैं. तो मैंने उनसे कहा प्लीज़ आप खुद पर फोकस करो, आप जिम जाया करो, आप पौष्टिक आहार खाया करो, आप खुद से प्यार करो, बहुत हो गया. आई लव आदिल, ये बहुत हो गया, अब बोलो आई लव राखी सावंत. तो उन्हें मेरी ये सलाह अच्छी लगी और कहा कि कोशिश करेंगे. उन्हें लगता है कि खुद से प्यार करना बड़ा मुश्किल होता है. मैंने कहा बिल्कुल नहीं. बहरहाल हमारी दोस्ती हो गई. और जिस वक्त मेरी दोस्ती हुई राखी सावंत के साथ, उसी समय उनकी चहेती राशि के साथ भी दोस्ती हुई. और जी, मुझे एहसास हुआ कि राशि एक बहुत ही दिलचस्प इंसान है. उनके दिल में कूट कूट के प्यार भरा है सबके लिए. और जब पता चला कि नेल आर्ट स्टूडियो राशि का है, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर आकर हम खुद की सर्विस लें. आदिल, लेकिन फिर भी शर्लिन हम जानना चाहेंगे, आदिल के लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि अभी मैसूर में भी उनका एक केस चल रहा है, फिर राखी के साथ और भी उनके बहुत सारे स्टोरीज सामने आए हैं, बहुत सारे केसेस सामने आए. जब इस तरीके के केसेस हाल बहुत से ऐसे देखने मिल रहे हैं, लाइक जर्नल में भी हम बहुत से ऐसे लोगों को देख रहे हैं. हाल ही में हमने एक और एक केस देखा कि जहाँ पे एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया और फ्रिज में. राइट, आफ्ताब अमीन पुनावाला और उसके बाद ये साहिल गहलोत. जी, ये एक मानसिकता बन गई है जिसके मैं खिलाफ हूँ. अगर लड़का लड़की के बीच में अनबन होती है तो एक दूसरे को छोड़कर अपने रास्ते जाए ना. राइट, लड़की की हत्या करना जरूरी है? हाँ, या तो भी है, ये क्रूर मानसिकता, सलीज मानसिकता है ये. तो लोग तो राखी को ये भी कह रहे हैं कि नौटंकी क्वीन है, दिस एंड दैट. कुछ इस पे आप कहना चाहेंगे? क्योंकि नहीं, जो लोग उन्हें दूर से देखते हैं उन्हें पता नहीं कि उनकी असल जिंदगी में हो क्या रहा है. और मेरे ख्याल से कोई भी इंसान सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ सुर्खियाँ बटोरने के लिए क्यों रोएगा, सुबह शाम क्यों इतना स्ट्रेस लेगा सिर्फ सुर्खियाँ बटोरने के लिए? तो कहीं ना कहीं राखी के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, धोखा हुआ, फरेब हुआ, उनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ.
क्या आपने जो केसेस किए थे राखी के ऊपर वो आपने रिटर्न लिए हैं? अभी नहीं, अगली तारीख 8 मार्च को है, तो उससे पहले मेरी बातचीत होगी मेरे वकील से और हम ये तय करेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। लास्ट ईयर मैसेज आपके सभी फैंस के लिए, हमेशा सोशल मीडिया पे आप एक्टिव होती हैं, खुश रहें, खुशहाल रहें, निरंतर रूप से व्यायाम करें, वर्कआउट करने के कई फायदे होते हैं, आप अच्छा फील करते हैं और अच्छा दिखने लगते हैं और कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। पौष्टिक आहार खाना, फास्ट फूड को अवॉइड करें और अच्छे दोस्त बनाएं ज़िंदगी में, जिनके साथ आप हाल दिल बयां कर सकते हो, ऐसे दोस्त जैसे राजश्री, राखी सावंत की चहेती है, करीबी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, उस तरह के दोस्त बनाएं, ज़िंदगी बहुत आसान लगने लगेगी। धन्यवाद।